हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी, मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपकी प्यारी निशा। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सैटरडे मॉर्निंग है और सुबह का मौसम आप देख सकते हो कितना औसम हो रहा है। इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी और बादल बादल ही बादल से हो रहे थे, बिल्कुल क्लाउडी क्लाउडी सा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। हाँ जी, 7:30, तो 7:45 का टाइम था। और इधर मैंने चाय वगैरह पी ली थी, मैंने और हमारे मेरे पति देव ने। तो चाय वाय पीने के बाद इधर लगी हूँ मैं, सारे ये जो मेरे काम हैं, जो भी बर्तन वगैरह धोने के, कपड़े धोने के, तो वही कपड़े धोने का। तो देखो, रोज का ही मेरा ऐसा हो गया है, कोई दिन भी हो कपड़ों का काम इधर से उधर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। कपड़े तो जो के तो मेरे रोज़ाना धुलने ही धुलने हैं। और वही चीज़ है कि एक दिन भी बिना कपड़े धुले काम सरता ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्रिल और लॉन्ड्री हैंगर पोंछ दिया है और ये सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ। सारे कपड़े धुल चुके हैं, मतलब मशीन में धुल चुके हैं, अब इसके बाद खंगाले हैं। तो छुट्टी वाला दिन है, थोड़ा सा लेट तो होता ही है काम, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि जल्दी जितना मर्जी कर लो काम नहीं होता। और आज वैसे भी मैंने भी छुट्टी कर ली, मतलब सुबह जल्दी नहीं उठी थी, तो हमारी हम हाउस वाइफ की भी छुट्टी हो ही जाती है। तो यहाँ मैंने कपड़े धोने से पहले मैंने सारे मतलब बाल्टियाँ पहले फिल कर ली हैं पानी से, और इसके बाद मैं एक एक कपड़े सारे खंगाल खंगाल के ड्रायर कर लूँगी और फिर इनको डालूँगी। तो जी चलिए, यहाँ ये कपड़ों का काम होगा। और अभी ना बाथरूम वगैरह में भी बच्चे और हस्बैंड वगैरह नहा के गए हैं, तो उनके भी कपड़े भी अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी सारे जब सुबह एक बार को सब नहा लेते हैं, तो हमारे जो क्या कहते हैं कपड़े धोने का काम बहुत ही, मतलब ये सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है ना कपड़े की और खाने की, दो ड्यूटी सबसे मेन है। क्लीनिंग की तो चलो बाद में भी हम कर सकते हैं, बट कपड़ों के बिना नहीं चल सकता, और नाश्ता खाना इनके बिना कुछ नहीं चल सकता। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े धोने के बाद मैं करूँगी अभी पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह करनी है। और खाने में आज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि कल कढ़ी चावल बनाए थे तो इवनिंग में करेले थे और बच्चे कुछ बाहर से ले आए थे, तो रात को तो हमारा ऐसे हुआ था खाने का, क्योंकि बच्चों का ना आप लोगों को पता ही है, बच्चे उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए, चटोरे बच्चे हैं हो चुके हैं। और यहाँ कपड़े खंगालते खंगालते थोड़ा सा मेरा सांस चढ़ने लग गया था, फिर लंबी एक सांस भरी है और फिर दोबारा से कपड़े खंगालने लगी हूँ। और मौसम को देख के तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि तुम काम करो, बस मन कर रहा है लेट जाओ। इतना प्यारा, कभी कभी ऐसे मन करता है ना कि हाँ काम वाम कुछ नहीं करना, कि रोज के काम कर करके हम जब बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई काम तो खुद नहीं करना है और क्या करें, और रोज के यही काम कर करके बोर हो गए हैं। तो अभी खाने का ना वही मैं बता रही थी, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर बच्चों वगैरह से भी पूछा तो उनकी तो सबकी अलग अलग ही फरमाइश रहती है। तो मैं सोच रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटी बना लूँगी उसके साथ, क्योंकि राइस तो कल भी खाए थे, परसों भी खाए थे, 3 दिन से मेरे यहाँ चावल बन रहे हैं मॉर्निंग में, दाल चावल रोटी, और वो ये चावल खा खा के फिर मेरा मन करा चलो आज रोटी ही बनाएंगे, वरना बच्चे तो आज भी बोल रहे थे कि दाल चावल ही बना लो, वही सबसे बेस्ट लगते हैं। तो दाल चावल किस किस को पसंद है प्लीज़ ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते हैं बढ़िया से दाल चावल बनाने। और यहाँ ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो ना बच्चों को भी उठाया था, तो कार्तिक को तो जाना था आज पीटीएम में, तो कार्तिक चाय वगैरह कुछ भी पीकर नहीं गया है, और सुबह उसको जल्दी उठा दिया था क्योंकि बच्चों का यही रहता है ना, वो तो कह रहा था मैं पीटीएम में भी नहीं जाऊँगा, बट उसको लेके गए हैं उसके पापा ज़बरदस्ती, क्योंकि शैतानियाँ कुछ ना कुछ होती हैं, इसी वजह से बच्चों का तो यही रहता है कि कोई ना ही जाए स्कूल में तो ठीक रहेगा। और जब तक वो लोग आएंगे तब तक मेरे ये सारे कपड़े धुल जाएंगे। अच्छा, इसके पापा ने तो नाश्ता कर लिया है, बस कार्तिक ने नहीं करा है, तो नाश्ते में आज मक्खन ब्रेड ही दूंगी मैं बच्चों को। और उससे पहले मैंने यहाँ ये मॉर्निंग में ना सुबह जब चाय वगैरह पी थी तो उसके बाद मैंने ये बर्तन धोए थे। तो हम हाउस वाइफ को यही रहता है कि जब भी हम काम करते हैं तो एक साथ सारे काम करने की कोशिश रहती है कि मल्टीटास्क वुमेन, इसीलिए कहा गया है हम औरतों को, एक साथ 50 काम करने होते हैं, अगर ना करें तो फिर वही है, हमारा घर फैला हुआ रहेगा और काम भी ढंग से नहीं होगा।
तो आई थिंक ये बर्तन को मैंने सुबह जब चाय बनाई थी तभी धो के रख रखा था, तो इन बर्तनों का पानी वगैरह सूख चुका था, तो मैंने सोचा चलो इनको भी लगा लेते हैं, क्योंकि जब बर्तन वगैरह हमारे लगे हुए होते हैं ना तो फिर किचन में ऐसे लगता है कि काम कुछ कम है और बिल्कुल किचन भी हल्की बिल्कुल साफ़ सुथरी सी लगती है, तो और कुछ काम करने में अच्छा भी लगता है। गंदी किचन में काम करने में देखो बिल्कुल मन नहीं करता, तो ये जो मॉर्निंग के बर्तन थे वो लग गए हैं और अब ये नाश्ते वगैरह के हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनको भी मैं ना साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा आदत मेरी वही है कि किचन में मेरे को लगता है कि जब भी बर्तन हो रहे हो तो जब फटाफट से साफ कर लेने चाहिए, क्योंकि जब सिंक में बर्तन ज़्यादा ढेर हो जाते हैं ना तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक करते हैं, तो मैं कभी भी बर्तनों को ज़्यादा होने ही नहीं देती। और ये ही चीज़ हम हाउस वाइफ में होती है कि जब तक हम अपने घर के काम कर नहीं लेते ना तो हमें 1 मिनट को भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि यही रहता है कि पहले काम खत्म कर ले तभी आराम से सोएंगे। और वही चीज़ हमारे मेरे साथ भी होती है कि मेरे को ये लगता है मैं जल्दी से पहले काम खत्म कर लूँ, चाहे झाड़ू पोछा हो, कपड़े हों, बर्तन हो, खाना हो और प्रेस करने का काम हो, कोई भी मेरे जितने भी काम है, तो मेरे को पहले यही लगता है कि मैं अपने काम खत्म कर लूँ उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँ, क्योंकि काम खत्म होने के बाद जो रिलैक्स मिलता है वो हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं। एक वो जगह होती है ना कि काम की टेंशन होती है, तो वही होती है मेरे साथ। मेरे को ये लगता है कि जब तक मेरे काम नहीं खत्म हो रहे ना मेरे, तो एक माइंड में सारी वही बातें रहती है कि बस जल्दी से पहले काम खत्म कर लो तभी कुछ करेंगे। तो यहाँ पे ये बर्तन जो भी नाश्ते वगैरह के थे वो भी मैंने देखो साथ के साथ साफ़ कर लिए हैं, तो अभी इसके बाद ना मेरा रह जाएगा क्लीनिंग का काम, और अभी मेरे को शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ करनी है, तो खाना भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने पहले यही सोचा मैंने कहा पहले मैं जो भी कुछ है ये बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, पूरा किचन का काउंटर टॉप समेट लूँगी, और जब काउंटर टॉप समेट जाएगा ना तो फिर अपने आप ही देखो जब पूरी साफ़ हो जाती है ना रसोई, तो खुद ही लगता है कि हाँ कुछ काम अब हुआ हुआ है। तो अब मैं आई हूँ यहाँ रूम में और ये देख सकते हैं आप लोग नाश्ता करके गए हैं बच्चे, और ये बर्तन वगैरह ऐसे ही फैले पड़े हैं, तो अब मैं जल्दी से इनको भी उठा लेती हूँ क्योंकि ये बर्तन रह गए साफ़ करने के लिए, मांजने के लिए। और ये छोटी मोटी मिस्टेक हम औरतों से हो ही जाती है कि आज मैं भूल गई, वरना मैं क्या करती हूँ रोज़ाना ही सारे रूम्स में से ना जो जहाँ जहाँ भी बर्तन कपड़े पड़े होते हैं सबसे पहले यही करती हूँ, सारे कमरों में से निकाल निकाल कर लाती हूँ, बट कोई नहीं अब मैं बाद में उसको साफ़ कर दूंगी। अच्छा ये वाला रूम वैसे साफ़ ही है, इसमें कोई बैठा नहीं था तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा था, तो आज इसकी मेरे को कुछ खास सफाई नहीं करनी, ऊपर ऊपर से करनी है। अच्छा जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि रोज़ाना इतने ढंग से करते रहो तो एक आधा दिन तो ऐसे मतलब हो जाता है कि चलो ऊपर ऊपर से ऐसे झाड़ू सी लगा दो या डस्टिंग सी कर दो, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सा लग ही रहा था। और अब मैं यहाँ पे ये दोनों को नाश्ता दे दूँगी, दोनों कार्तिक आ गया था स्कूल से पीटीएम से, तो यहाँ मक्खन ब्रेड में बच्चों में नाश्ते के लिए बना रही हूँ, तो वही मैं ब्रेड पे ना मक्खन लगा रही थी, और क्योंकि नाश्ते में कुछ बना ही नहीं था रोज़ाना ही नाश्ता बन रहा था, तो कभी कभी ऐसे लगता है ना कि नाश्ते को हमें स्किप कर देना चाहिए, मेरा बिल्कुल आलस आ रहा था कि कुछ बनाने में, तो फिर वही रहता है मेरा तो ईस्ट और ब्रेस्ट, मक्खन ब्रेड इज़ द बेस्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे सारी ब्रेड्स बिल्कुल करारी करारी से सेके गए। अच्छा मक्खन लगा के जब हम ब्रेड सेकते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी कभी ट्राई करना। हम देसी घी में सेकते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छी, या अमूल का जो पीले वाला मक्खन आता है ना उससे आप सेकना, तो आपको एक अलग ही टेस्ट लगेगा, और मेरे बच्चों को तो बहुत फेवरेट है ये ऐसे करके। तो जी चलिए ये सारी ब्रेड सेक चुकी हैं और अब मैं ना जल्दी से यहाँ पे बच्चों को नाश्ता दे दूंगी, और ये जो भगोने वगैरह हुए हैं अभी ये दोबारा से बर्तन इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये था मेरा अभी मतलब कि 1 से 1.5 घंटे का ये काम था, इसके बाद अभी पूरे घर की मेरे को क्लीनिंग वगैरह भी करनी है, तो पहले मैं सोच रही हूँ बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों का पेट भरा रहेगा ना, फिर एक होती है ना तो कहते हैं तसल्ली सी रहती है कि भाई बच्चों ने कर लिया है नाश्ता, अब मैं चाहे काम में मेरे को 1.5 घंटा लगे 2 घंटा लगे कोई टेंशन नहीं है। और क्या होता है जब बच्चों ने कुछ खा नहीं रखा होता फिर दिमाग ना बार बार यही जाता है कि पहले मेरे को बच्चों को ना चाय वगैरह कुछ दे देनी थी, नहीं तो बच्चे मेरे को काम नहीं करने देंगे। तो बस यहाँ पे मेरी 4 से 5 ब्रेड सिक गई है, और इसके साथ बच्चे ना चाय के साथ नमकीन फैन रस वगैरह जो भी कुछ उनको चाहिए होगा तो वो सब ले लेंगे। तो बस यहाँ ये चाय हो गई है और अब मैं इसके बाद करूँगी इस वीडियो को एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा